एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी दिव्या की शादी में। संजय की फैमिली, कप्पू, मैं जा रहे हैं। कल हल्दी है और 3 तारीख को बारात आएगी, 4 तारीख को विदाई। तो मिलती हूँ मैं आपको ब्रेक के बाद। आ गए पटियाल फैमिली, ये देखो। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, कहाँ गया छुट्टू? आशीर्वाद। संजय की गाड़ी आ गई है, अब हम निकलते हैं। ये कप्पू का सामान 2 बैग है, मेरा भी 2 बैग है। कल से बारिश हो के वैसे दिल्ली में तो बहुत ठंडा है। और ये मैडम डॉक्टर साहब आ गई है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सामान ना करते करते देखो, हम लोग निकल चुके हैं। ये आरा और ये कप्पू मैडम। हेलो, नींद आ रही है आपको? हेलो, हाँ नुनू आ रही है? नुनू ये अरु हमको लेके जा रहा है। पीएसएफ का ड्राइवर मंगाया था हमने पांगू से। पीएसएफ का ड्राइवर पांगू से। ए भाइयों, हाँ क्या हो गया? मोगा में पहुंच गए हम लोग। आ रहा, चलो। हेलो, हाय हाय करो, हाय। चलो खाना खाते हैं, आओ इधर से है। यहाँ से चलो। क्या खाना खा रहा है? हाँ जीजू बताओ जल्दी से, कहाँ जा रहा है? शादी में जा रहा है। चलो बैठो। हाँ किसकी शादी में जा रहे हो? दीदी की, मौसी की? दीदी की शादी में जा रहे हो? हल्द्वानी पहुंच गए। मौसम देखो, बारिश जैसा लग रहा है आसमान में। पहुंच गए हम अपनी दीदी के घर में। हाँ ये देखो हमारे चाचा, ये देखो कितना बढ़िया फूल खिला रखा है। बिल्कुल दोनों ने मियाँ बीबी ने। जीजाजी रिटायरमेंट के बाद फूल ही खिला रहे होंगे जीजाजी घर में। करुदी और बलवंतिया लोग का मकान, प्रदीपदा और बलवंतिया का मकान है ये दोनों का। बहुत सुंदर है और डेकोरेट बहुत सुंदर कर रखा है। हम लोग दी के घर में पहुंच गए हैं। दिल्ली से आके हम सीधे यहीं आए, हमारी पोता के यहाँ सामान। अब यहाँ पे सुमितम को पूजा है और फिर कल मेहंदी, हल्दी। सुबह हल्दी होगी और शाम को मेहंदी होगी। तो घर बहुत सुंदर डेकोरेट कर रखा है दिव्या की शादी की। हेलो अर्चु, मस्त रहो। हाँ सही कह रही है, मस्त रहो मस्त। सीमितंग ठोम के यार आज करूँ दी लोग के वहाँ, तो खाना वाना यहीं खा के देखो। आप दारचूला जाके भी आ गए, चलो यहाँ मुलाकात होगी। अब दिल्ली में भी मुलाकात होगी आपसे हमारे दारिका वाले। और ये देखो रेनू, हम मेरी फ्रेंड दारचूला।
अचला का ची चमे ढामी को बिरा देन रेनु यो जिक सा तो लखनऊ की रूममेट ले जगा रूममेट ले क्या दिन थे यार वो भी ओ गजब गजब क्या दिन थे सही करे शेरा शेरा बहुत याद आते कभी कभी तो तो दोस्तों हम दिल्ली से हल्द्वानी पहुँचे 6:30 बज गया था हमारी पोता के घर पहुँचने तक। उसके बाद हम दी के घर में गए, वहीं सिमितंग को पूजा था, फिर खाना खा के थोड़ा सा महफिल में रंग जमा के फिर घर आए। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।